महोदय, सरकार को समाजवादी देश के अंदर न्याय दिलाने की जो पद्धति है उसका गहराई से अध्ययन करना चाहिए और हिंदुस्तान की परिस्थिति में उसको किस ढंग से लागू किया जाए इस पर विचार करना चाहिए। अगर समाजवादी देशों की पद्धति सचमुच में गरीबों को न्याय दिलाने में समर्थ होती है, अगर उससे सचमुच में गरीबों को सस्ता न्याय मिल जाता है, तो मैं समझता हूँ कि उस पद्धति को लागू करने की दिशा में गंभीरता से विचार करना चाहिए। सस्ता न्याय मैं समझता हूँ कि सहज घोषणा करने से नहीं होगा। गरीबों के बारे में तो आजकल बातें करना मंत्र जपने के समान हो गया है। शायद ही कोई व्यक्ति हो जो अमीरों की तरक्की चाहता हो, जो हिंदुस्तान में पूंजीवाद का समर्थक हो। वह आदमी जब इन गरीबों का नाम लेकर उनकी सहायता की बात चलाता है, तो मुझे बड़ी ही उनकी नीयत पर गहरा संदेह होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब हिंदुस्तान के संविधान में समाजवाद का लक्ष्य रखा गया है, उसकी प्रस्तावना में समाजवादी उद्देश्य है, तो महज प्रस्तावना तक ही वह सीमित नहीं रहना चाहिए। मिश्रा जी ने कहा कि दूसरी ओर बहुत से सेक्शन ऐसे हैं जहां सस्ता न्याय देने की दिशा में संविधान में कुछ संशोधन किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों में इस तरह की बात कही गई है कि हमें सस्ता न्याय देना चाहिए, तो ऐसी अवस्था में जब संविधान में इस तरह की बातें हैं, तो अब संविधान तो हमारे देश का बुनियादी कानून है, उस कानून से दूसरे कानून बनते हैं। ऐसी अवस्था में दूसरे कानूनों को बनाना ताकि गरीब लोगों को सस्ता न्याय मिल सके, इस संबंध में ज़रूरी है। मैं एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा और वह किसी कि सीआरपीसी में सरकार ने एक प्रावधान किया था कि मामला जो फाइल होगा थाने के अंदर और अनुसंधान जो थाने के अंदर होगा, उसमें गांव से जो लोग जाएंगे गवाही देने के लिए उनको यात्रा भत्ता दिया जाएगा। यह सीआरपीसी का संशोधन था और मुझे स्मरण है 1972 या 1974 में हुआ था और इस तरह का प्रावधान वहाँ किया गया था। मैं समझता हूँ कि गरीब जो मामला फाइल करता है उसे न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि वह आने जाने को वहन करने में असमर्थ हो जाता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि सीआरपीसी में जो इस प्रकार का प्रावधान किया गया है, क्या सरकार ने उसके लिए कोई उचित प्रावधान किया है ताकि लोग अगर थाने में जाएं अनुसंधान के लिए, थाने में गवाही देने के लिए जाएं, तो उनको इस तरह की सुविधा मिल सके। इस तरह की क्या सरकार ने कोई व्यवस्था की है? महोदय, मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूँ कि आपने बोलने का समय दिया। यह प्रस्ताव गरीबों से संबंधित है। कानून मंत्री जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं कानून मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि गरीबों को कानूनी सहायता देने का उन्होंने प्रावधान किया। महोदय, हमारा उद्देश्य यही है कि गरीब हमारी योजनाओं से लाभान्वित हों, इसलिए हमने जो निर्देश राज्य सरकारों को दिए हैं
उसमें हमने यही रखा है कि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। इसी तरह हमारी NREP की जो स्कीम है उसमें भी अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें, यह हमारा प्रयास है। और भी कई तरह के कार्यक्रम हम चला रहे हैं। मैंने शुरू में कहा कि ये कार्यक्रम हमने शुरू किए हैं, हमारा कभी दावा नहीं रहा कि हमने सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है, लेकिन हमने प्रयास जरूर शुरू किया है। हम कर भी रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपका भी सहयोग पूरी तरह से हमें मिले तो इन समस्याओं का समाधान करने में बहुत हद तक हम आगे बढ़ सकते हैं। आपने रेडियो की चर्चा की, रेडियो से इसका प्रसारण करते हैं। उन्होंने एक पैमाना बनाया हुआ है, 5 डिग्री से नीचे जब मरकरी गिरता है तो उसके बाद वे कहते हैं कि शीत लहर चलेगी, 6 डिग्री से नीचे तक का अभी तक का उनका अनुमान है। मैंने मौसम विभाग के लोगों को बतलाया था और उनसे मैंने यह सवाल किया था, यद्यप आप मेरी राय से सहमत होंगे कि इसमें ऐसे ही लोग मरते होंगे जिनके पास की घर नहीं होता, वे बेचारे कहीं फुटपाथ पर सोते हैं, भिखारी हैं, वे रेडियो कहाँ से सुनने वाले हैं। लेकिन फिर भी मौसम विभाग से पूछा कि उनको चेतावनी देनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जब 6 डिग्री से नीचे मरकरी आता है तब उसको हम शीत लहर मानते हैं और उसको पूरी तरह से एक चेतावनी के रूप में प्रसारित करते हैं। इस प्रकार की मौसम संबंधी सूचनाएं रोज ही रेडियो से प्रसारित होती रहती हैं, लेकिन अभी उनके मापदंड के अनुसार शीत लहर नहीं आई है, थोड़ी सी ठंड में भी कोई आदमी मर सकता है, शीत लहर ना भी हो। लेकिन अगर किसी के पास कपड़ा ना हो तो थोड़ी सी ठंड में भी वह मर सकता है। अभी मैं शीत लहर का जो मापदंड उन्होंने रखा है वह बता रहा था, हो सकता है कि उसको रिवाइज करने की ज़रूरत हो। मैंने आपका यह सुझाव नोट कर लिया है, बाकी जो अन्य बातें हैं उनसे मैं इनकार नहीं करता। हम और आप सभी जानते हैं कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण गरीबी ही है, लेकिन आप इसका कोई राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयत्न ना करें। रैन बसेरा और आयोग नियुक्त करने के बारे में भी मैंने पूछा था, आयोग बहाल करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उस पर जो खर्चा आएगा उससे गरीबों में कंबल बांटना अच्छा रहेगा। अंग्रेज़ों के ज़माने में ज़्यादा ज़मीन कोटा था, उसको रिवाइज किया गया है, लेकिन शीत लहर का जो पैमाना अंग्रेज़ों के ज़माने में चल रहा था वही आज भी चल रहा है, इसलिए उचित नहीं है।